मध्य प्रदेश के सीधी जिले में थाने में पत्रकारों और उसके दूसरे साथियों के कपड़े उतरवाने पर दो पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि थाने में अंडरवेयर में खड़े पत्रकार और उसके दूसरे साथियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की। वहीं मामले की जांच एक सीनियर पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक पत्रकार और अन्य लोगों की तस्वीर अंडरवेयर में वायरल हुई थी। बताया गया था कि धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनके कपड़े उतरवा कर थाने में जुलूस निकाला गया। स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद पत्रकार और अन्य के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। अंडरवेयर में फोटो वायरल हो गया है। फोटो वायरल होने के बाद अब सीएम शिवराज ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कई मामले में संबंधित पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें, इस घटनाक्रम को लेकर भोपाल पुलिस मुख्यालय से जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शासन की ओर से दोषी पुलिस कर्मियों के इस व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार थाना प्रभारी और एक एसआई को निलंबित कर लाइन अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद सीधी जिले के एसपी मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने थाना प्रभारी कोतवाली मनोज सोनी और अमलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें, पत्रकारों का आरोप है कि उन्हें और उनके घर वालों को पुलिस की तरफ से लगातार झूठे केस में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी में थाने में पत्रकार को अर्धनंगन रखने के मुद्दे पर एसएचओ मनोज सोनी ने कहा, कुछ दिन पहले थाने में एक आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ये आदमी फर्जी आईडी बनाकर प्रतिष्ठित लोगों को अपशब्द बोलता था। आरोपी की तरफ से 25-30 लोगों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। इन लोगों को हवालात में डाल दिया। इनमें से एक ही पत्रकार है जो यूट्यूब पर काम करता है। एसएचओ मनोज सोनी ने कहा, पकड़े हुए लोग पूरे नंग नहीं थे। हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको हवालात में अंडरवेयर में रखे थे, जिससे कोई व्यक्ति अपने कपड़ों से खुद को फांसी न लगा ले। सुरक्षा की वजह से हमने उनको ऐसा रखा। ये बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही, ऐसा न्यूड नहीं, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर में हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगा, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा देते हैं, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ये जो आपके चैम्बर से एक फोटो वायरल हो रहा है, इसमें किसको माना जाए, दोषी कौन है इसका, आखिर कैसे? ये बात तो मैं भी नहीं बता पाता हूँ कि जब बातचीत हुई है तो उस समय उनके कुछ परिजन लोग भी थे वहाँ पे, हो सकता है किसी परिजन में या दोस्त में एक खेच ली होगा फोटो, बाकी विभाग के द्वारा सभी गलत नहीं। वहीं मामले में रीवा रेंज की आईजी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीधी जिले से संबंधित एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इसको गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली सीधी और एक उप निरीक्षक को तत्काल